जो फैक्टर्स स्ट्रेस को कॉज करते हैं और उसकी वजह बनते हैं उनको हम स्ट्रेसर्स के नाम से जानते हैं अब स्ट्रेसर्स आपकी पर्सनल लाइफ में वो वाकत हो सकते हैं इंसिडेंट्स हो सकते हैं जो कि आपकी होम लाइफ में आपकी पर्सनल एक्टिविटीज़ में आपकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में किसी भी तरह के जो वाक़ ऐसे रूना होते हैं जो कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं वो स्ट्रेसर्स आपकी पर्सनल लाइफ में होंगे लेकिन उनका इम्पैक्ट ऑब्वियसली हर इम्प्लॉय अपने साथ लेकर आता है अपनी वर्क प्लेस पे तो गोया आप अपनी वर्क प्लेस को अपनी पर्सनल लाइफ में होने वाले इवेंट्स से अलदा नहीं कर सकते पूरी कोशिश करनी चाहिए अगरचे कि हम उन इम्पैक्ट को अपनी वर्क प्लेस में ना लेके आए लेकिन समटाइम्स ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि जिनका के इफेक्ट और इम्पैक्ट लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है और एज अ गुड मैनेजर एंड लीडर यू शुड बी अवेयर ऑफ काइंड ऑफ इफेक्ट्स एंड इफ यू जस्ट आर नोटिसिंग Certain changes in, in the behavior of your employees, your team members, due to some unknown reasons which are not there in the organization, then you must try to just uh, you know go and talk to them with all the sympathy so they can just open up and share their feelings with you and try to address the problem in your own manner. एज सोन एज यू कैन ताकि उनकी इफेक्ट ना हो उनकी परफॉर्मेंस को लेकिन कुछ स्ट्रेसर्स ऐसे भी होते हैं जिनका ताल्लुक डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन से होता है सो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल स्ट्रेसर्स कौन कौन से होते हैं नंबर वन पे तो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट है हाई pressure इन्वायरमेंट विच प्लेस क्रॉनिक वर्क डिमांड्स ऑन एम्प्लॉयज फ्यूल्स द स्ट्रेस रिस्पॉन्स जो कि um, अगर क्लाइमेट आपका इस तरह कहे कि जिसमें कि बहुत हाई प्रोफिशंसी हाई परफॉर्मेंस इज एक्सपेक्टेड फ्राम द Uh, employees, peer pressure, so everybody will then be working to its best. But it can be a positive side, but if it goes beyond control, it can become a distress too. So, organizational climate as a whole can be a stressor. Number two, organizational structure. इट इंक्लूड द हायर एरिकी डेट ऑर्गेनोग्राम के अंदर जो कि एग्जिस्ट करती है कौन सा बॉस है किसकी रिपोर्टिंग पे कौन है आपके लाइन मैनेजर्स कौन है आपने किसको आगाह करना है अपनी सर्टन एक्टिविटीज आपकी अप्रेस कौन कर रहा है ए सी आरस कहाँ पर जा रही हैं आपकी परफॉर्मेंस को किस तरह से मोनिटर किया जा रहा है सो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में ये तमाम तर बातें शामिल होती हैं और इसमें जितना पावर डिस्टेंस होता जाए जितनी आपकी इनडायरेक्ट लॉन्गर डिस्टेंसिस पर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन में बैरियर्स आते जाएं, उतना ही पावर डिस्टेंस रिजल्ट होगा उसका नतीजा ये होगा कि पॉलिसीज और रूल्स एक बहुत डिस्टेंस पे बनाए जाएंगे वो डिस्टेंस और उनके एक्चुअल जिन्होंने इंप्लीमेंट करना है उसमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होगी सो इट विल रिजल्ट टू अलॉट ऑफ नेगेटिव काइंड ऑफ प्रेशर इन द ऑर्गेनाइजेशन so excessive rules and lack of participation in decisions are examples of structural variables that might be potential stressors when it comes to organizational structure another type uh, is organizational leadership I uh, just type ki leadership organization mein uh, exist karti hai uska bahut direct taluk hota hai organization ke culture ke sath uske employees ke uh, temperament or mood ke sath aapne kis tarah unko change karna hai uske saath. जितना के डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेटिव लीडर होगा जिसको कि रिफरेंट पावर एक रिस्पेक्ट की पावर हासिल होगी ड्यू टू हिज और हर एक्सपर्टीज ड्यू टू हिज और हर इंटरेक्शन स्टाइल ड्यू टू हिज़ और हर विलिंगनेस टू शेयर द एक्सपर्टीज एंड बी सपोर्ट व्हेन इट इज रिक्वायर्ड तो जितना उसको इस तरह की रेफरेंट uh, पावर हासिल होगी जितनी उसकी ऐसी लीडरशिप स्टाइल होगा उतनी ही ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर पॉजिटिव होगा लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लीडर्स इस तरह से भी होते हैं कि जिन्होंने के क्लासिकल मैनेजमेंट के मॉडल्स के तहत जो कि अब खास से आपसलीट हैं उनके तहत वो रूल करना जानते हैं जिनका कि सिर्फ ये मकसद होता है कि जितना प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है जितना आप स्ट्रिक्ट मोनिटरिंग कर सकते हैं जितने के आप लोगों को फियर के साथ थ्रेट करके इनसेक्योरिटी के साथ आप कंट्रोल करके लीड कर सकें वही बेहतर है तो अगर इस तरह का लीडरशिप स्टाइल होगा तो इसका एक नेचुरल आउटकम ये होगा कि उसकी जो टीम मेंबर्स हैं उनमें बहुत ज्यादा नेगेटिव स्ट्रेस का उन्हें हर रोज अनफॉर्चुनेटली uh, सामना करना पड़ेगा um, एक और uh, जो फैक्टर है स्ट्रेसर वो ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस हैं सम टाइम्स ऑर्गेनाइजेशनल वर्किंग में एक पैराडाइम शिफ्ट होती है फॉर एग्जाम्पल एवरी मूविंग टू टेक्नोलॉजी सो पीपल मे नॉट बी टेक्नोलॉजी सेवी एंड देन दे जस्ट फील इनसेर एंड एक्सट्रीमली थ्रेटेंड Occupational demands with passing time, you may be asked to do more professional development, uh, more input in terms of your own professional growth, which may become a stressor for you.